दर्पण एंटरटेनमेंट। कॉमेडियन कपिल शर्मा एक नए शो फैमिली टाइम विद कपिल के साथ 25 मार्च को छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। कपिल शर्मा की वापसी से ठीक पहले उनके फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले कपिल शर्मा के नए शो में उनकी को होस्ट को लेकर जानकारी सामने आई है। इस शो में मशहूर एक्ट्रेस नेहा पेंडसे होस्ट करेंगी। ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा में कपिल अकेले शो होस्ट नहीं करेंगे। नेहा के आने से कपिल शर्मा के शो की फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ गया है। आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहे कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर नए शो का हिस्सा होंगे। वहीं नेहा पेंडसे की बात करें तो वो टेलीविजन और मराठी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। नेहा को मशहूर शो मे आई कम इन मैडम में मैडम का किरदार निभाने से पहचान मिली थी। नेहा फैमिली टाइम विद कपिल के अलावा सब टीवी के शो पार्टनर में भी दिखाई देंगी। सोनी टीवी की ओर से हाल ही में कपिल शर्मा के शो का नया टीजर जारी किया गया था। इस टीजर से ये मालूम चला था कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन कपिल शर्मा के कमबैक शो के पहले गेस्ट होंगे। पिछले साल सुनील ग्रोवर के साथ हुए विवाद की वजह से कपिल शर्मा काफी सुर्खियों में रहे थे। इस विवाद का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा था, जिसके बाद सोनी टीवी ने द कपिल शर्मा शो को ऑफ एयर कर दिया था। फैमिली टाइम विद कपिल की शुरुआत सुपर डांसर सीजन 2 के फिनाले के बाद होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा का शो रात 9 बजे से ही टेलीकास्ट होगा। हाल ही में सुनील ग्रोवर ने साफ कर दिया था कि वो कपिल शर्मा के नए शो का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं कपिल शर्मा ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वो सुनील ग्रोवर के साथ नए शो के बारे में बात करने उनके घर गए थे। कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर के साथ जल्द ही दोबारा काम करने की उम्मीद भी जताई थी। कुछ दिनों पहले ही कपिल के नए शो का टीजर पोस्ट किया गया। कपिल के शो से जुड़ी सभी जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कपिल शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।